ये मुसाफिर रोहतास गढ़ के मुसाफिर हैं, गाड़ी के इंतजार में और अपना सरो सामान लेकर सुबह के वक्त, दोपहर में, रात के वक्त में इस तरह से सड़कों के किनारे में बैठे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज और मैं हूँ शादी कमाम न्याजी। शादी कमाम न्याजी आज नगर पंचायत रोहतास और अथौरा जाने का मुख्य जो मार्ग है, मैं उस रास्ते को दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक नजारा तस्वीर देख लीजिए। ये हमारा बैकग्राउंड पूरा आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ और ये चलता हूँ जो रोहतास से अधौरा का मुख्य मार्ग है। इस वक्त मैं रोहतास से अधौरा जाने वाले रास्ते में मौजूद हूँ और ये रोहतास अधौरा का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर ये आप सड़क देख सकते हैं जिसका कार्य शुरू हो चुका है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये शायद रोहतास गढ़ के रहने वाले हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पहाड़ पे। किस गाँव के रहने वाले हैं आप? आप किस गाँव के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है बाबू? किस गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे इतना अपना सामान मान रख के यहाँ बैठे हुए क्यों? आप लोग बैठे हुए क्या परेशानी है? यहाँ से बस मिलती है? हाँ। आपके गांव तक बस जाती है? हाँ। कितनी गाड़ी चलती है? दो गाड़ी आती है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से तो रास्ता तो अभी कुछ लेवल किया हुआ है, आगे का रास्ता कैसा है? बहुत खराब है। बहुत खराब है। अच्छा, पहाड़ पे करते क्या हैं आप? करेंगे अपना कृषि कार्य करते हैं। अच्छा, कृषि कार्य करते हैं। यहाँ किस काम से आप आए थे? यहाँ पर ट्यूशन करते हैं पढ़ाई के लिए। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, आप अगर अभी खबर आई है कि रोहतास से अधौरा एक रोड बन रहा है, अगर इसका निर्माण हो जाएगा, रोड बन जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा आप? बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, रोहतास गढ़ के रहने वाले हैं और रही की बात है कि रोहतासगढ़ का जब ये रोड कंप्लीट होगा तो किला जाने वाले को और जो रोहतासगढ़ के रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह की खुशी होगी, ये खुद पे आप समझ सकते हैं। और एक दिन देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्य रोड का शुरू हो चुका है। ये सारी मशीनें यहाँ पे आ रही हैं, ये दो मशीन